अंकों का ज्ञान कहानी के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पर सब देख रहे हैं, इधर मैडम ने क्या बनाए हैं, बहुत से जानवर बनाए हैं और एक तितली बनाई है। यस, तो चलिए चलते हैं हम पहले बोर्ड पर बने चित्रों की ओर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ये क्या बना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्या बना है? शेर भाई, मेरे पंख रंग बिरंगे क्यों नहीं है? तो
शेर ने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है भालू दादाजी को पता हो। अब तितली किसके पास गई? भालू दादा पास। फिर भालू दादा से पूछा उसने कि भालू दादा मेरे पंख रंग बिरंगे क्यों नहीं है, पर गोले गोले से क्यों बने हुए हैं। अब भालू दादा भी कुछ सोचने लगे, लेकिन वो भी कुछ बता ही नहीं पाए। उन्होंने कहा ऐसा करो बिल्ली पास जाकर देखो। तो बिल्ली पास गई। अब बिल्ली तो मियाओ 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 करती रह गई, कुछ बता ही नहीं पाई, है ना। बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली के पास कोई जवाब नहीं था। वो पूछती तो बोलती, फिर जब वो कुछ पूछती कि मेरे पंख ऐसे क्यों हैं, गोले ही क्यों बने हुए, वो बताती नहीं, सिर्फ क्या बोल देती, यही बोल देती। अब तितली हो गई परेशान। अब उसको तो कोई जवाब मिला ही नहीं। जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता तो हम दूसरे पास जाते थे। हाँ, अब बिल्ली के पास तितली किसके पास गई लास्ट में? खरगोश पास। खरगोश बाबा जी के पास। किसके पास? यस, खरगोश बाबा जी के पास गई। अब खरगोश ने तो कुछ जवाब दिया ही होगा, और क्या जवाब दिया ध्यान से सुनना। तो अब तितली के पास तो बस खरगोश बचा था। वो खरगोश बाबा जी के पास गई, उसने अपनी समस्या बताई। पहले तो ये सभी जानवर तितली के साथ गए, वो परेशान रहती थी, तो ये लोग भी उसे हंसाने की कोशिश करते रहते थे कोई चीज से कोई चीज से, लेकिन तितली परेशानी रहती थी, हंसती भी नहीं थी, वो परेशान थी अपने शरीर से। ठीक, तो लास्ट में जब वो खरगोश बाबा जी के पास गई तो खरगोश बाबा जी ने क्या उपाय बताया? उसने बताया कि जो तुम्हारे शरीर में जो गोल बने हुए हैं, घेरे बने हुए हैं, अगर तुम 1 से 9 तक की गिनती कर लो तो तुम्हारे जो पंख है वो रंग बिरंगे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? रंग बिरंगे। लेकिन उपाय क्या करना होगा? तुम्हें 1 से लेके 9 तक की गिनती को याद करना होगा, बोलना होगा और उसे लिखना होगा। ये उपाय बताया उसने। तो अब तितली को तो उपाय समझ में आ गया ना कि 1 से 9 तक की गिनती को उसे क्या करना है? बोलो बोलो, बोलना है, याद करना है, फिर लिखना है। जैसे ही वो ये सब काम करेगी उसके पंख कैसे हो जाएंगे? रंग बिरंगे हो जाएंगे, बाकी तितलियों की तरह। तो अब तितली ने उपाय करना चालू कर दिया। तो तितली को उपाय करने के लिए 1 से 9 तक की गिनती गिनने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर बोलेगी? एक। कौन सा नंबर बोलेगी तितली? एक। तो अब हम जो इसका सबसे ऊपर वाला गोला है हम उसे क्या लिख दे? एक। क्या लिख दे? एक। शिखा बेटा जल्दी से भाग कर आ जाओ। तो तितली को हमें रंग बिरंगा करना है, लेकिन मैडम नहीं करेंगी, आप बच्चों को मिलकर कर करना है। तो जल्दी से 1 लिख दो, इधर पहुंच जाओगी। हम गोदी में उठा के लिखते। वेरी गुड, 1 लिख दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। अभी तो सिर्फ 1 गोला बड़ा है, ठीक है, अभी बहुत गोले बाकी हैं। तो तितली की मदद हम सभी को करनी है, उसके पंखों को रंग बिरंगा करना है कि नहीं। तो चलते हैं, अब 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2। तो ये होता है 2, इसको क्या कहते हैं? तो अब हमें तितली को उसके पंखों को तो और रंग बिरंगा करना पड़ेगा। तो जल्दी से राधिका आएगी और तितली के दूसरे गोले में 2 लिखेगी। आ पहुंच रहा है, चलो चलो, ठीक है, वेरी गुड। तालियां देखो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तितली भी रंग बिरंगी होती जा रही है ना। अब हम इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, बड़ा सा, ठीक। राधिका ने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो थोड़ा सा ऐसा बन गया है, हम लिख देते हैं क्लियरली। 1, 2, अभी उसके सिर्फ 2 घेरे भरे हैं, अभी और भी बाकी है तितली का। अब बताओ 2 के बाद फिर क्या आना चाहिए? आना चाहिए 3। तो संदीप दौड़ के आ जाओ जल्दी से, और अगला घेरा संदीप भर दो। यहाँ पहुंच रहा आज तो हम पूरा कर देंगे, ठीक, वेरी गुड। इसने सही लिखा है 3। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वेरी गुड, कैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अब 3 तक हो गया है, अब 3 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? तो हम जल्दी से मैक्सा को बुलाते हैं। मैक्सा भाग के आओ
और तितली का अगला गोला भर दो जिससे कि वो रंग बिरंगी जल्दी से हो जाए। चार लिख दोगे? रुको चलो लिखो। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लैपिंग का तो मैं एक्सर के लिए बहुत ही बढ़िया चार लिख दिया है तितली के लिए। तो अब चार के बाद आता है बच्चों पांच। तो अब कविता आएगी, आ जाओ और अगला गोला भर दो। पहले एक साइड के भरते हैं फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे लिख दो। वेरी गुड तो बच्चों पांच के बाद क्या आएगा? अब अनिकेत की बारी है। अनिकेत जल्दी से गोला भर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सभी बच्चे भरेंगे। तितली को तो रंग मिलेगा, सभी ने सभी ने बनाना है। तो कितना हो गया ये? जोरदार तालियां बजाओ बच्चों। अब ऋतिक बेटा आ जाओ। छह के बाद क्या आना चाहिए? अब यहाँ से चालू कर दो। वेरी गुड, तालियां जोरदार तालियां बजाई ऋतिक के लिए। सात लिख दिया है, अब थोड़ा बड़ा कर दे हो जाए। तो अब सात के बाद क्या आएगा? आठ। क्या आएगा? तो अंशुल आ जाओ और आठ अगला लिख दो। इधर पहुंच जाएगा हाथ। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजा दीजिए अंशुल के लिए। बहुत बढ़िया, आठ लिख दिया है। तो अब हम चलेंगे अगले अंक की ओर। दुर्गा आ जाओ। ये कौन सा अंक है? आठ के बाद क्या आएगा बच्चों? नौ। तो अगला लिख दो नौ। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजा दीजिए। विकास आओ। अब एक घेरा बचा है, नौ के बाद कितना आना चाहिए? दस। बच्चों जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा विकास के लिए। बच्चों देखो तितली के सभी गोले भर गए हैं, उसे तो एक से नौ नंबर चाहिए थे लेकिन उसके वो तो दस तक मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? तो तितली अब कैसी हो गई? रंग बिरंगी। कैसी हो गई? और जब वो रंग बिरंगी हो गई तो वो क्या करने लगी? हंसने लगी। क्या करने लगी? और वो खुश हो गई। क्या हो गई? और खुश होकर क्या करने लगी? क्या करने लगी? अब जो बाकी जानवर थे वो सब मिलकर तितली को बीच में खड़ा कर दिया और बाकी सब जानवर गोल घेरे में हो गए और सब लोग क्या करने लगे? नाचने लगे। तो बताओ बच्चों कहानी कैसी लगी सबको?